साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। और हम सब सबको मालूम है, हमारा संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है, उसमें हेल्थ ये राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे समय तक, तो क्या कठिनाइयां हैं वो मुझे मालूम थी। तो मैंने भारत सरकार में आकर के, भले दायित्व राज्य का हो तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। हमारे यहां एक बड़ी समस्या ये थी कि देश का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्यों के मेडिकल सिस्टम में राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी और कलेक्टिव अप्रोच का अभाव था। भारत जैसे देश में जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं राज्य की राजधानियां या कुछ मेट्रो सिटी तक ही सीमित थी, जहां गरीब परिवार रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, वहां राज्य की सीमाओं तक सिमटी स्वास्थ्य योजनाओं से बहुत लाभ नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केयर और बड़े अस्पतालों में भी एक बहुत बड़ा गैप नजर आता था। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच भी तालमेल की कमी थी। गवर्नेंस की इन कमियों को दूर किया जाना बहुत जरूरी था। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना से ही अभी तक राजस्थान के लगभग 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग 2500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्थान में काम करना शुरू कर चुके हैं। सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। हमने नया आयुष मंत्रालय तो बनाया ही है, आयुर्वेद और योग को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं।